Hello students, how are you all? I hope you all are safe and fine at your homes. So today we are going to learn about contraction. But उसके पहले revise कर लेते कि हमने क्या पढ़ा था. हमने changes के बारे में पढ़ा था, irreversible और reversible changes. Then हमने पढ़ा था कि changes होते क्यों हैं, कैसे हैं. तो हमने देखा था कि या तो expansion होता है या तो contraction होता है. तो हमने expansion के बारे में पढ़ा था last video में कि expansion क्या होता है. तो हम कब बोल सकते हैं कि चीज़ें एक्सपैंड हुई है, जब चीज़ें शेप साइज़ वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए, तो तब हम बोल सकते हैं कि चीज़ें जो हुई है वो एक्सपैंड हुई है. बट यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज कॉन्ट्रैक्शन के बारे में. सो फर्स्ट हम देखते हैं कि सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि हीट होने पर एक्सपैंड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर, वाटर हीट होने पर एक्सपैंड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, कम हो जाता है. सिमिलरली अगर वाटर को हम फ्रीज करेंगे तो वाटर क्या होगा, एक्सपेंड हो जाएगा. तो वाटर की और रबड़ की क्वालिटी क्या है, दोनों अपोजिट है, दोनों सिमिलर नहीं है. रबड़ जो है हीट होने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है. बट वाटर जो होता है, वाटर कॉन्ट्रैक्ट व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 degree to 4 degree. और वाटर जो है 0 degree से 4 degree तक हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कम हो जाता है. बट अगर उसे 4 degree के अबाउ हीट करो तो इट एक्सपैंड्स. और जब 4 degree से अबाउ इसे हीट करते तो वो एक्सपैंड हो जाता है. नाउ कॉन्ट्रैक्शन, व्हेन ऑब्जेक्ट आर कूल्ड डाउन पार्टिकल्स विद इन द मैटर मूव स्लोअर. अब जैसे कि हमने देखा था कि जब ऑब्जेक्ट्स को हीट किया था तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स थे वो कैसे मूव कर रहे थे, वो फास्ट मूव कर रहे थे. बट अपोजिट उसके, जब हम ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लोली मूव करेंगे. स्लोली मूव करने की वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा इन देयर शेप साइज एंड वॉल्यूम. और उसका शेप साइज और वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. मोस्ट सब्सटेंसेस कॉन्ट्रैक्ट एज देयर टेम्परेचर फॉल. तो चीज़ें जनरली कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ जाती है, जब उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाए, जब उसे ठंडा कर दिया जाए. कॉन्ट्रैक्शन इज हेल्पफुल टू अस इन मैनी सिचुएशन. बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें हमारे लिए कॉन्ट्रैक्शन भी हेल्पफुल है. सो आप देखिए, हाउ विल यू फिट मेटल रॉड इन टू अ हॉल इन विच स्लाइटली स्मॉलर इन साइज. एक हॉल है, ठीक है, जो कि साइज़ में कैसा है, छोटा है, बट हमें उसमें मेटल रॉड को फिट करना है. तो इस मेटल रॉड को हम कैसे फिट करेंगे, तो द होल इज स्लाइटली स्मॉल एंड द रॉड इज स्लाइटली बिग. ठीक है, जो हॉल है वो स्मॉल है और जो रॉड है इट इज़ स्लाइटली बिग. सो द रॉड इज कूल्ड. अब रॉड को ठंडा किया गया, कूलिंग की वजह से जो मेटल था वो श्रिंक हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होके. नाउ आफ्टर द रॉड कॉन्ट्रैक्ट इट फिट्स इनटू द हॉल. अब जब रॉड श्रिंक हो गया, उसके बाद वो हॉल में प्रॉपरली फिट हो गया. जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो वो हॉल में टाइटली फिट हो जाएगा. सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन क्या था, हमारे लिए हेल्पफुल था. वैसे ही आप देख सकते हो, हॉट डे जब होता है तब टेलीफोन वायर्स जो होते हैं गर्मी होने के कारण लटक जाते हैं, ठीक है, बट कोल्ड डेज पे वो टाइट हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी, यहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा हॉट ग्लास है, मान लो कि आपने ग्लास में कॉफ़ी ली थी, ठीक है, कॉफ़ी जस्ट अभी कॉफ़ी आपने उसमें से खाली करी है, बट ग्लास जो है वो बहुत हॉट है और उसके ऊपर अगर आप पानी डालते हो तो ग्लास क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ग्लास टूट जाता है. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो बाहर वाली जो साइड है ग्लास की वो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में होती है, बट अंदर वाली जो साइड होती है वो हॉट होती है. तो इसी वजह से ग्लास जो होता है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है. अब जो हॉट एयर बलून का हमने एग्जांपल दिया था, जिसमें हॉट एयर जाने की वजह से क्या हो रहा था, वहाँ जो हीट प्रोवाइड हो रही थी, हीट की वजह से गैसेस एक्सपैंड हुई, एक्सपैंड होके और हॉट एयर बलून जो है वो ऊपर चले गया. बट ऊपर जाने के बाद जब वो कूल एयर मिलेगी उसको, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो बलून फिर से नीचे की तरफ आ जाएगा. नाउ कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को और थोड़ी अच्छे से इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं.
सो टू अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें। एक नैरो नेक ग्लास बॉटल चाहिए जिसका नेक जो है वो थोड़ा पतला होना चाहिए। बलून चाहिए, एक छोटा सा वाटर लेने के लिए पॉट चाहिए, एंड स्टोव चाहिए, है ना, पॉट होल्डर, एक होल्डर चाहिए जिस पे हम वो पॉट रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बलून को फिक्स कर देंगे बॉटल के माउथ के ऊपर, जैसे यहाँ पे किया गया है। देन टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर अबाउट 5 सेंटीमीटर इन पॉट, पॉट के अंदर 5 सेंटीमीटर तक भर जाए इतना ही पानी लेना है। अब उस बॉटल को हमें पॉट के अंदर रख देना है। देन उस पॉट को हमें स्लोली हीट करना है, गैस जलाना है। कंक्लूजन क्या मिलेगा हमें, हॉट स्टीम कैन कॉज सीरियस बर्न्स। आपको अगर ये घर पे एक्टिविटी करनी है तो आपको किसी अडल्ट के सुपरविजन में करनी चाहिए, किसी बड़ा अगर कोई बड़ा मौजूद हो तभी आपको ये एक्टिविटी करनी है। नाउ सी, यहाँ पे आपको कंक्लूजन क्या मिलेगा, बलून जो है वो एक्सपेंशन ऑफ केसेस की वजह से राइज हो रहा है जब हीट किया जा रहा है। बट जब वो वाटर कूल हो जाएगा, जब आप उसका गैस ऑफ कर दोगे और थोड़ी देर उसे ठंडा होने दोगे, तो बलून क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड डोंट फॉरगेट टू अटेंड द लाइव क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।